महिलाओं की 23 आदतें जो पुरुषों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। 23 हैबिट्स ऑफ विमेन मेन डोंट लाइक। हर समय पति की धमकी कि उसे छोड़कर चला जाएगा, उसे मनाने, समझाने तथा परिवार से जोड़ने की कोशिश में अंदर से टूटती जा रही थी, परंतु अब भी उसे जिंदगी से विशेष शिकायत नहीं थी, पति से भी नहीं। शिकायत करती भी क्या, जिस व्यक्ति के साथ जीवन जी रही थी उसका दो रूप था, एक देवता का, दूसरा दानव का। जब देवता का रूप होता तो हमेशा यही कहता, मैंने तुम्हें धन का सुख नहीं दिया है, क्या करूं, मेरे भाग्य में ही खोट है। जी चाहता है दुनिया का सारा सुख तुम्हें दूं, मगर दूसरे रूप की कल्पना से भी काम पुटती। निशा हमेशा यही सोचती कि पति से मैं प्रेम करूं या घृणा, चाहकर भी वह घृणा नहीं कर पाए। उसका पति के प्रति कर्तव्य और प्रेम बढ़ता गया। निशा के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब वह माँ बनी। जीवन के प्रति उसकी आस जगी। एक बार फिर से वह सब कुछ भूलकर अपने जीवन को संवारने में जुट गई। पुत्र को जब भी देखती अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित महसूस करती और सोचती, यह मेरा है, इसे मैं अपनी तरह का, अपने ढंग का बनाऊंगी, यह सबसे अलग होगा, सामान्य लोगों से अलग। एक उच्च विचारों वाला दृढ़ पुरुष जो मेरे जीवन की सारी कमियों को पूरा करेगा। अपने पति का क्रोध, उसकी अयाशी, उसके विचार, इन सभी से दूर रखूंगी। मेरा बेटा नम्र होगा, वह किसी से घृणा नहीं करेगा, मेरी भावनाओं को समझेगा। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती। सपने में भी वही रूप देखती, पति से बिल्कुल अलग। पुत्र का लालन पालन निशा के लिए कठोर तप रहा। प्रारंभ से ही उसे अच्छे लोगों का साथ, अच्छा माहौल, अच्छी किताबें दी, सारी बुराइयों से उसे अलग रखा। निशा के पुत्र को उसके पिता का प्यार नहीं मिला ऐसा नहीं था, मगर उस व्यक्ति के प्रेम का तो तरीका ही अलग था। उसे खूब प्यार करता, हमेशा उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करता, अभाव के दिनों में स्वयं भूखे रहकर उसे खिलाता, उसके कपड़े, उसके जूते, सबका ख्याल रखता, मगर उसमें इतनी समझ नहीं थी कि पुत्र का भविष्य क्या होगा। आज दूसरे के रहम पर पल रहा है, कल को उसे निकाल दे तो क्या होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, क्योंकि वह जितना भी कमाता वह तो उसके परिवार के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं था। मगर निशा की तपस्या ने उसके पुत्र को उच्च विचारों वाला शिक्षित व्यक्ति बनाया, जिसे देखकर वह भाव विभोर हो उठती। शरीर और मन दोनों से बूढ़ी हो चुकी निशा के जीवन में एक दूसरा दौर फिर आया और वह फिर से अपना घर का सपना देखने लगी, अपने पूरे अस्तित्व को ढूंढने लगी थी जो वर्षों पहले खो गया था। हमेशा दूसरों के साथ रहते रहते जहां हर पल उसे एहसास दिलाया जाता कि तुम दूसरे के घर में, दूसरे के रहम पर जिंदा हो, आज पुत्र से इस कमी को पूरा करना चाहती थी। उसकी यह कमी पूरी हो गई। पिता और पुत्र के साथ वह अपने घर में आ गई। उसे लगा कि जीवन की सारी खुशी मिल गई। जीवन कितना आसान लगने लगा था। एक क्षण में वह सारा संघर्ष, दुख, तकलीफ भूल गई। हर पल उत्साहित और पूर्ण स्फूर्ति के साथ अपने नए घर को सजाने संवारने में जुट गई थी। हंसती हुई निशा हमेशा यही सोचा करती, यह सुख दुख का खेल जीवन में क्यों चलता है। मगर उसके जीवन में सुख आया ही कहाँ था, जिसे वह भूल से सुख समझ रही थी वह सुख कहाँ था। वह तो उसके संघर्ष की दूसरी कहानी थी। शुरू से ही निशा ने अपने पुत्र के सामने पिता की किसी बुराइयों को आने नहीं दिया था, उसकी सारी अच्छाइयों को सामने लाती, पिता के प्रति प्रेम और आदर पुत्र के मन में भरती रही। परंतु जिस चीज को वह सालों से बचाती आ रही थी, इस नए घर में धीरे धीरे खुलने लगा था। निशा का पुत्र पिता के करीब जाने लगा था। वह जैसे जैसे करीब जाने लगा, निशा की घबराहट बढ़ती गई। वह हमेशा यही देखती कि वह अपने उच्च विचारों से अपने पिता को तौलता और जब वह उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसमें चिड़चिड़ापन भर जाता। हमेशा कहता, माँ ये किसी बात को क्यों नहीं समझते, यह किसी बात को मानते क्यों नहीं, मैं जितना समझाने की कोशिश करता हूँ उसकी उल्टी प्रतिक्रिया इनमें क्यों होती है। निशा यही सोचती कि जिसने जीवन भर किसी की नहीं सुनी वह पुत्र की क्या सुनेगा। जैसे जैसे दोनों नजदीक आते गए रिश्तों में दूरियां भी बढ़ने लगी। निशा हर दिन इस परिवर्तन को देखती, दोनों के बीच दूरियों को पाटने की कोशिश करती, कभी पुत्र को मनाती कभी पति को समझाती, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। दोनों के रिश्तों को जोड़ते जोड़ते फिर से निशा टूटने लगी थी। उसके भीतर एक अनजान सा डर समाता जा रहा था। उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ पुत्र था दूसरी तरफ पति।